गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग, आप सभी का टेक्निकल हिंट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के ज़रिए हम यस बैंक का ऑनलाइन अकाउंट अपने मोबाइल में खोल के दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको पूरा प्रोसेस जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना होगा दोस्तों। और प्लीज़ यार, पहले आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं डेली डालता हूँ, और उनके बारे में भी जानने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही बनता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने जो गूगल क्रोम है, उसमें आपने को टाइप करना है yesbank.in दोस्तों, ठीक है। इसका अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट मैंने जो लिंक डाला है उस पर जाके आप देख सकते हो। तो आपके सामने इस प्रकार से डायरेक्ट ये वाला पेज ओपन होने वाला है दोस्तों। किसी प्रकार से कोई भी डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप इसका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से दोस्तों, ठीक है। और जो अकाउंट्स है दोस्तों, वो पर्सनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट्स, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट दोस्तों, डिजिटल अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपका जो अकाउंट से जो अकाउंट ओपन करने के बाद जो आपका डेबिट कार्ड मिलेगा, एटीएम कार्ड, वो इस प्रकार से होगा दोस्तों, ठीक है। भीम यूपीआई आईडी मिलेगा आपको दोस्तों, ठीक है। नेट बैंकिंग मिलेगा दोस्तों, आईडी, ये जो बैंक की जो पासबुक डायरी है वो इस प्रकार से मिलेगी दोस्तों। और आपको चेकबुक भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके अगर टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो आपको दोस्तों अपना आई कार्ड यानी कि पैन कार्ड होना ज़रूरी है अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों, ठीक है। या आप ब्रांच से जाके विजिट करोगे तो भी आपको पैन कार्ड जो चाहिए दोस्तों, ठीक है। और आपको आधार कार्ड भी चाहिए, और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप अकाउंट ओपन करवाओगे तो दोस्तों आपका आधार लगेगा, और आधार लगेगा तो आधार का वेरिफिकेशन होगा। और वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा कि दोस्तों, आपके जो आधार से जो मोबाइल नंबर है उसमें OTP आएगा, और OTP तब आएगा दोस्तों जब आएगा, तब आएगा, कब आएगा वो मैं बता रहा हूँ। कब आएगा वो, जब आएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक हो, तभी आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा दोस्तों। वह OTP डालोगे तो वेरिफिकेशन होगा आधार कार्ड। अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर अभी तक दोस्तों 1000 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेस है यस बैंक की, और 1800 से ज़्यादा इसके ATMs है CTO में जहाँ भी है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि जो 98% पर्सन होते हैं वह इस चैनल को देख के ही, इस वीडियो को देख के आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो प्लीज़ यार, मैं आपके लिए स्पेशल ये बना रहा हूँ, बनाया मैंने कि मेरा कोई चैनल सब्सक्राइब करे, क्योंकि 2% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ करो यार। और उसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो आपको सबसे पहले इसको यहाँ अप्लाई करने से पहले इसकी टर्म एंड कंडीशन भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हो तो उसकी बैंक की जो भी कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन यानी कि जो शर्तें हैं, उसको पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स की हिडन चार्जेस, फीस, क्या फीचर्स है उसके, वो सब देखना होता है। क्योंकि अकाउंट ओपन करने के बाद वो अपना बैलेंस कटता रहता है, ये आपको पता ही नहीं चलता कि इसका क्या कट रहा है, तो वो सब पहले आप जान लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो आपका अर्निंग इंटरेस्ट मिलने वाला है दोस्तों, आपको कैशलेस मिलने वाला है कन्वेंस, ठीक है। नेट बैंकिंग मिलेगा दोस्तों आपको, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो दोस्तों, ठीक है। और जो NEFT है, NEFT जो ट्रांजेक्शन वो होगा दोस्तों, ठीक है। आप बिल पे कर सकते हो रजिस्टर नेट बैंकिंग के थ्रू दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होने वाला है। अगर आपके अकाउंट में 1000 के बराबर है या उससे कम है तो आपको मंथ 4% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपका अकाउंट का बैलेंस 1 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 4.5% के हिसाब से, और 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो दोस्तों आपको 5.25% इंटरेस्ट मिलने वाला दोस्तों। अगर नेक्स्ट चले दोस्तों तो आपके सामने इस प्रकार से एक पूरा लिस्ट खुला है। इस लिस्ट में देख सकते हो आप टाइप ऑफ अकाउंट, ये 3 अकाउंट है दोस्तों, सेविंग अकाउंट प्रो, सेविंग अकाउंट प्लस और सेविंग अकाउंट प्रो। तो अपने को लास्ट वाला ओपन करना है, क्योंकि इसका जो अकाउंट मेंटेनेंस है वो 0 है, क्योंकि हम मतलब 0 है मतलब कि हम 0 पैसा रख सकते हैं बैंक के अंदर दोस्तों,
जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसका प्लेटिनम वाला डेबिट कार्ड मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसकी लिमिट होगी 50,000 से, नॉट अवेलेबल, ठीक है। फिजिकल कार्ड भी इसमें अवेलेबल होगा दोस्तों, ठीक है। एलिमेंट कार्ड अवेलेबल होगा दोस्तों, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट दोस्तों देख सकते हो आप, इस प्रकार से जो सेविंग अकाउंट एप्लीकेशन प्रोसेस है तो इस प्रकार से होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी उसको वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका जो आधार है और जो आपका पैन है वो भी वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने को दोस्तों अपना अकाउंट एक्टिव होने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा अकाउंट दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को दोस्तों अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को ये कैप्चा डालना है। जैसे आप कैप्चा डालोगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने जो मोबाइल नंबर तो वो डाल दिया, बट अपना ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद अपने को वेरीफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ये सब डालोगे तो सबसे पहले अपना जो मोबाइल नंबर है वे वेरीफिकेशन होगा। उसके लिए आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उसमें ओटीपी जाएगा, ठीक है। उस ओटीपी को आप यहाँ पे जो बोला है इस पर डाल के वेरीफाई करोगे। देन उसके बाद जो आपका ईमेल आईडी है दोस्तों जो आपने डाला है उसको यहाँ पे डाल दिया है, उसको वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपके जो दोस्तों ईमेल है उसके अंदर आपको इस प्रकार से ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को दोस्तों इस पर डालना है और अपने आप ओटीपी भी नहीं प्राप्त होगा, और अपने आप जैसे आप ईमेल पे जाओगे और इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका जो ईमेल वाला है जो आपने डाला है वह फाइनली आपके सामने इस प्रकार से ओके का ऑप्शन आएगा। ईमेल खोलने के बाद इस वापस वेबसाइट में आओगे तो ओके का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो है ईमेल इस प्रकार से वेरीफाई हो जाएगा, और मोबाइल नंबर मैंने पहले ही बता दिया कि वेरीफाई कैसे करना है। देन आपने को यहाँ पे दोस्तों पैन को डालना है, पैन नंबर को, ठीक है। इस प्रकार से आपको पैन नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है दोस्तों, ठीक है। ये सब डालने के बाद आपको दोस्तों नीचे ये खाना है जो डिब्बा है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस प्रकार से क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने नीचे ओटीपी आएगा दोस्तों मोबाइल नंबर पे, ठीक है। उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको आपको फिल करना है। इस प्रकार से लोडिंग चलेगा, वो जैसे ही फिल होगा तो आपके सामने इस प्रकार से तीन टर्म एंड कंडीशन आएगा, इन सभी को आपको राइट पे क्लिक करना है। जैसे राइट पे क्लिक करोगे तो आप नीचे की तरफ एक प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो लोडिंग का ऑप्शन आएगा। जैसे ये लोडिंग हो जाएगा कम्प्लीटली तो आपके सामने इस प्रकार से ओपन फुल KYC अकाउंट आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इसमें दोस्तों अपने को फुल जो ये आ रहा है फुल KYC वाला अकाउंट वाला, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ओके का ऑप्शन आएगा, इस पर ओके पे क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके प्रकार से तीन ऑप्शन आएंगे देख सकते हो, तो अपने को जो ये फर्स्ट वाला है इस पर क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। सॉरी, अपने को लास्ट वाले पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लीज़ सॉरी। आपको लास्ट वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से तीन ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो इस बार अपने को क्या लास्ट वाले पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करोगे ओपन नाउ पे, ठीक है। ओपन नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से लोडिंग चलेगा। यहाँ पे अपने को दोस्तों अपने जो आधार डाला है, आपने पैन कार्ड डाला है, उससे कुछ डिटेल अपने आप ये जो बैंक है वह डिडेक्ट कर लेगा, नेम पता वगैरह, ठीक है। देख सकते हो आपके आधार की फ़ोटो आ गई है दोस्तों। इस प्रकार से ये कुछ डिटेल कर लेगा, और कुछ अपने को डालना होगा यहाँ पे, अपने को नेम ही नॉमिनी डालना है। जो आपने नॉमिनी डाला है, फादर्स मदर्स ब्रदर, उसकी जन्म डेट डालना है, उसकी एज डालनी है दोस्तों। परमानेंट एड्रेस डालना है, करंट एड्रेस है वह अपने हिसाब से डाल के प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये सब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो दोस्तों आपके ऐड नॉमिनी, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यस करो, अदरवाइज नो करोगे तो आपको ये अपनी जो नी ऊपर डिटेल डाली है कोई डालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने नॉमिनी डाला ही नहीं है।
और मेरा मानना है तो आप नॉमिनी ऐड करें, बाई चांस कभी भी कुछ हो जाए तो वो सारा का सारा पैसा नॉमिनी को मिल जाए, ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, नीचे इस कंडीशन पे राइट करके प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको दोस्तों जो भी बैंक की तरफ से कुछ है डिटेल, आपका कैश डिपोजिट है, ये विड्रॉल है, ये सभी डालना ज़रूरी भी नहीं है, आप अपने हिसाब से एक्सेप्टेड करना। तो दोस्तों जो बैंक की कंडीशन है वो डाल सकते हो, जैसे कितना कैश विड्रॉल कर लोगे मंथली, क्या क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप यहाँ पे भर सकते हो, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों कस्टमर प्रोफाइल, यहाँ आपको आप शादीशुदा हो या नहीं हो, उसके बाद आपका जो जन्म स्थान है वो डालना, उसके बाद आपने क्या कर रखा है, बीएड, एमएससी, फेमेसी जो भी आपने कर रखा है, आप स्टूडेंट हो क्या है आपका, और दोस्तों उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन डालना है, स्टूडेंट हो क्या हो, आप जो गवर्नमेंट जॉब हो प्राइवेट जॉब हो वो डालना है यहाँ पे ऑक्यूपेशन में। उसके बाद आपको नीचे दोस्तों आप जो भी फंड है सोर्सेज, किस जो आप फंड कमाते हो वो क्या सोर्सेज है, उसके बाद एनुअल इनकम डालना है, यहाँ पे रेफरल में आप डाल सकते हो या इसको स्किप भी कर सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको नीचे इस प्रकार से लास्ट में यहाँ पे आप दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो दोस्तों ये मैंने जो भी है वो डाली है, कंडीशन जो मैंने बोला है कि कितना क्या कर सकते हो दोस्तों वो आप डाल सकते हो, ये नॉमिनी है। जैसे आप यहाँ पे लास्ट में प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी डिटेल है दोस्तों वो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगी, और अगर उसमें कोई मिस्टेक लगी तो आप इस पेंसिल पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली ये सारी की सारी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से डिटेल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको एक वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आएगा, उस वीडियो को केवाईसी पे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों जो एस बी एम का जो एजेंट है उससे आपका वीडियो कॉल होगा, उसमें आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा, आधार कार्ड दिखाना होगा दोस्तों, ठीक है। ये सब आप उसको दिखा के दोस्तों अपना वीडियो कॉल केवाईसी कंप्लीट करके ऑनलाइन बेसिक डिटेल पूछेगा, नेम, जन्म डेट, और आपकी वीडियो केवाईसी कर सकते हो घर बैठे, और आपका अकाउंट फाइनली ओपन हो जाएगा, और स्पीड पोस्ट या जो नॉर्मल है पोस्ट के ज़रिए आपको अपना जो भी डिटेल है, आपको फीचर्स जो भी मिलेंगे, पासबुक हो गया, डेबिट कार्ड गया, वह कंपनी की तरफ से, सॉरी बैंक की तरफ से आपके घर पे आ जाएगा, जो आपने एड्रेस डाला है दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ यार, मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो के लिए, तो सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।